अरे भाई कैसे फील आ रही है भाई राहुल? चल बेटे दूर हो बाबू। Hey guys, welcome back to my another video. So, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सारे बिल्कुल अच्छे होंगे। भाई होगी नहीं तो पूरी कितने की देर से हो लिया? आधा तक एक आधे घंटा देख लो भाई, आधे घंटा मैंने पूछा, आधा घंटा या एक घंटा बोल रहा है 45 मिनट तो बात हुई भाई। सो गाइस ये तो यहाँ पे मस्त सो रहा है, तू जाएगा साथ में या इसको लेके जाऊँ भाई? तो गाइस अभी जा रहा हूँ अपनी बुलेट को दिलवाने के लिए, तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस ये वाली टी शर्ट लेके आया था उस दिन में, कमेंट में बताना तुम्हारे भाई के ऊपर कैसी लग रही थी। अरे भाई कहाँ भाई, अरे इतनी दूर क्यों लगा दी भाई? काम गणा था भाई। लिया गाइस हमारे साथ हमारे कितने समझदार दोस्त है और है उधर राहुल। क्या हाल भाई राहुल? जिम तो खुल भी ना रही भाई, लागता फोन पकड़ तुम अपने आप लगा लो। सही नहीं, देखो क्या तगड़ी डीजल मरवा दिया इसके ऊपर। गाइस जो भी स्पा आ गया हूं, किस टाइम आए? इबे आया 5 1 मिनट में। मैं अभी नींद उड़ी गई तेरी और उठ गई। सडो तू क्या में लग रहा है भाई? देख ले क्या है। अरे भाई मिलना इससे कहां पे है ये? चल लेके चलता हूं भाई, रहस देता हूं ना मैं शेयर जैसा। देखिए भाई क्या तगड़ा टोपी भाई, तिब्बतन मैस्टिफ है ये। हैं तिब्बतन मैस्टिफ है, तिब्बतन मैस्टिफ है। हां देख कितना तगड़ा भाई। कब चलेगा? अभी चलते हैं। अभी तुरंत चलो चलता अभी चलता अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब जा रहे तिब्बतन मैस्टिफ के पास, बहुत ही बड़ा जॉइंट साइज लग रहा है फोटो में, तो रियल में देखिए कैसा है। चलो भाई चलो चलो चलते हैं, दुआओं में याद रखना है। अरे क्यों डराता भाई तू, ऐसी ऐसी बातें बोल, ये बता तू। एक तो भाई बरीड ऐसी इतनी खतरनाक, ऊपर से तू बोल रहा है बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। पिछली बार कैंडी भी तो थी भाई अग्रेसिव बहुत। उसके पास में कहां गया था भाई? जब वो बनाई तूने, जब वो एक बंदा भी घिसड़ गया था वहां पे। गाइस वीडियो में बने रहना, काफी मजा आएगा आप सबको, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ले सब्सक्राइब। अब सीधे मिलेंगे आप सभी को लोकेशन अपोच कर, क्योंकि हाईवे आ चुका है अभी, तो यहां पे हमें कोई रिस्क नहीं लेना। टाइम भाई ये डाउन हो रहा है, मतलब डबल दिखता है। तो जैसे ये है कि इनका गर्मियों में जैसे अपने हेयर लूज कर देते हैं ना, हाँ। शेडिंग होती है इनकी, फिर भी आप देख सकते हो कंडीशन अभी मेंटेन है, बट ये वेट अभी कम हो गया है, आप देख ही सकते हो हाइट। आप मतलब कोई नॉर्मल बंदा आप साथ में खड़े होकर देखोगे तो आपको हाइट का पता नहीं चलेगा। मेरी हाइट 5'10" है, नियर बाय 60 kg वेट है, और आप देख सकते हो मेरे साथ खड़ा हुआ भी मतलब कितना हैवी लग रहा है डॉग। नाम क्या भाई इसका? नाम बगीरा है, और ये मैंने हिमाचल से लिया था, और स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा राजीव अवस्थी जी को, हाँ। जिन्होंने हमें इतना एक अच्छा पपी दिया, देख ही सकते क्वालिटी में तो कोई दोहरा ही नहीं है। तगड़ा भाई जबरदस्त है। एज कितने की होगी होगी भाई इसकी? इसकी एज अभी ये है 17 महीने का हुआ है, अभी ये पूरा मैच्योर नहीं हुआ है। देख ही सकते है की हाउ वेल मेंटेन्ड ही इज, और इवन एसी में नहीं रहता ये। ये अपनी सारस लाइन की फीमेल है, हाँ। और दोनों ही डॉग मेरे केसीआई के साथ है। इसको स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा दमनजीत सिंह ढिल्लो फ्रॉम अमृतसर, और इंडियन चैंपियन हेक्टर की डॉटर है ये भाई। या इंडियन चैंपियन की डॉटर है भाई। माय गॉड और अभी सिर्फ 4 महीने की, ये सिर्फ अभी 4 महीने की है। इनकी डाइट क्या रहती है भाई? डाइट मेनली लोग सोचते हैं इतने बड़े डॉग है बहुत ज्यादा खाते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे डॉग, ये नॉर्मली एक जर्मन शेफर्ड और लेब्रा की जो डाइट होती है उस पे मेंटेन्ड है। इनको इतनी ज्यादा डाइट नहीं चाहिए होती। गर्मी में क्या होता है इनका थोड़ा खाना कम हो जाता है, हर डॉग का वो नॉर्मली आपको ही पता है। और इतना ज्यादा ये लोग कंज्यूम भी नहीं करते, लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा खाते होगे इतने बड़े डॉग है, लेकिन ऐसा है। वेट कितना हुआ?
वेट इसका 70 केजी प्लस है, वैसे अभी मैंने मेजर नहीं किया काफी दिन से। इसका वेट है 20 केजी प्लस है। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यू कैन होल्ड एंड लिफ्ट दिस। नहीं नहीं भाई 70 किलो हंटर को ही बड़ी मुश्किल से उठा पाता हूं मैं इसको, खाना इम्पॉसिबल। नहीं, ही इज इम्पॉसिबल टू मूव, मतलब इसको हिलाना ही मुश्किल हो जाता है भाई 70 किलो। और दूसरा ये है कि शौक था अपना एक बहुत शानदार, और दूसरा ब्रीडिंग स्टैंडर्ड भी सुधारने की कोशिश करेंगे। जो ब्रीडिंग स्टैंडर्ड गिरता जा रहा, नहीं ब्रीडिंग स्टैंडर्ड भी गिरता जा रहा। दूसरा ये है कि लोगों को ये रहता है कि भाई चाइनीज डॉग, बट इंडियन डॉग कम एट माय होम एंड लुक एट इट, आपको पता चलेगा कि एक ब्रीडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है या नहीं करता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको यही कहना चाहूंगा, अगर आप एक पपी लेते हैं थोड़ा उसकी हिस्ट्री जानिए, उसके पेरेंट्स के बारे में जानिए और डायरेक्ट पपी परचेज कीजिए। और दूसरा एक और टिप मैं देना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सीधा फीमेल के नीचे से बच्चा उठाइए, उसमें आपको उसकी क्वालिटी कंफर्म रहती है। देखिए राहुल जबरदस्त, इसे कहते हैं भाई डबल एक्सेल है। नहीं है डबल एक्सेल नहीं है, अरे इस ब्रीड में नहीं होता, इस ब्रीड में नहीं होता, ये ब्रीड खुद में ही डबल एक्सेल है, इसमें कोई साइज नहीं होता, इसका साइज यही होता है। देखे देख रहा है, तभी तो रुकवाया तूने। अरे इस तरह बहुत हुंडा डर लग गया मेरे भाई, और क्या दे लागो नहीं लागो। चल बेटे आराम से, कैसे फील आ रही है भाई राहुल? चल बेटे दूर हो बाबू, चलो गुड बॉय। ऐसे लग रहा है शेर का पट्टा हाथ में, थोड़ा सा अभी आपको इंस्पेक्ट कर रहा है और थोड़ी देर में सोशलाइज हो जाएगा, बस ये थोड़ा आप डरिए मत वरना सेंस कर लेता है डॉग, वो आपको ही पता है। वैसे आप घुमा सकते हो, लेके जा सकते हो उस तरफ आप चलोगे आपके साथ हो जाएगा। कई बार क्या होता है दूसरे डॉग की स्मेल अगर उसको लगती है ना कि वो ज्यादा पावरफुल है डॉग, तो वो थोड़ा अटैकिंग मोड में हो जाता है, इसलिए मेरे को डर लग रहा है कहीं इसको सेंस ऐसा, मतलब खैर थोड़ा सा चला एक बार थोड़ा सा मिलने के बाद, मतलब इतना मेरे को ज्यादा ही सेंस दे रहा था ना, और मेरे कपड़ों में से स्मेल आ रही है हंटर की और बाकी डॉग्स की, तो ये मेल की सेंस में कई बार वो हो जाता है। हाँ थोड़ा सा हो जाता है, खैर अभी तक मैंने मतलब ऐसा कुछ देखा नहीं है इसमें। हम मिली शांति अब करा सकते हो देखो। विक्की भाई पकड़ लिया तूने तो, लेकिन दो बार ट्राई उसका तेरे पे और इसको, तो मेरे को इतना डर नहीं लग रहा भाई। हाँ तेरे को पता लग गया ना, कुछ नहीं कह रहा। He is well socialized, ऐसी बात नहीं है, एग्रेशन अपनी जगह है, गार्ड डॉग है हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें एग्रेशन है, लेकिन ये वो सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग, वो टाइम के अकॉर्डिंग होता ना भाई, जैसे कोई घर में घुसेगा पीछे से, और जैसे कि आप देख सकते हो भाई के साथ कितना नॉर्मली खड़ा है, नॉर्मली खड़ा है। पकड़ने के बाद भाई इसको यहाँ से देख रहा हूँ, लग नहीं रहा था लगेगा ही नहीं ना भाई, कोई भी बंदा इसको देखता है कार स्टॉपर कह सकते हैं इसे, शो स्टॉपर भी कह सकते हो, शो स्टॉपर भाई मतलब जैसे कोई भी बंदा अगर गाड़ी पास करके मतलब पास में जाता है एक बार गाड़ी जरूर रोकेगा। और एक स्पेशली मुझे हमेशा यही कमेंट आता है कि भाई शेर जैसा कुत्ता, शेर जैसा ये तो आएगा भाई, शेर जैसा है तो है, जो रियलिटी उसमें तो कोई शक नहीं ना। नहीं बेटे नो, उल्टे काम मत कर, छोड़ दे। अब बता भाई अब कैसा फील हो रहा है? आजा बगीरा, ठीक आजा बेटे कम चला, का जो हमारे गली में होते हैं, और ये देखो भाई इसको अच्छे शो करेंगे आगे, और जाके देखते हैं ये भी नाम रोशन करेगी, शो खेलेगी ये, अच्छा शो खेलेगी, ठीक है भाई ये शो के लिए ही तैयार कर रहे हैं, शो के लिए रेडी कर रहे हैं भाई। मेन पर्पस अपना ब्रीडिंग नहीं है, और दूसरा ये है कि शो भी खिलाते रहना साथ में इनको, ताकि एक मतलब लोगों में अवेयरनेस आ सके इस ब्रीड को लेकर, लोग जानते ही नहीं है कि तिब्बतन मास्टिफ है क्या। हाँ ये तो है, पहली बार देखा मैंने कितना साइज देखा ना, वो फीमेल दिखाई थी तुझे, ये मेल है भाई, ये पूरी शो क्वालिटी का है, ठीक है शो क्वालिटी की ये भी चीज है। और दूसरा ये की आप इसे मतलब कहीं भी खड़ी करोगे ना वही जीत के आएगी, क्योंकि भाई हमने बहुत ज्यादा वो करके रिसर्च करके ही तब मैंने ये चीज ली थी। दूसरा ये कि भाई आप कोई भी चीज लेते हो रिसर्च बहुत जरूरी है, सिटी का डॉग और एक पीछे की लाइन देखना, मतलब मेरे पास बगीरा के आप मानोगे नहीं, इसके दादा पड़दादा सबकी एक हिस्ट्री है मेरे पास, तभी मैंने जाके ये डॉग खरीदा था। ये तो बहुत बढ़िया करा आपने, मतलब हिस्ट्री रखी थी ना। नहीं मेरे पास हिस्ट्री है, फोटोज है, मैं वो सब कुछ शेयर कर दूंगा जो भी मेरे कॉन्टेक्ट में है, या मेरे फाइट को हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। और दूसरा ये है कि ये चीज इलीगल भी है, और एक एथिकल जो बात कहे कि दूसरा मुझे खुद भी ये चीज पसंद नहीं है, अगर कोई बंदा मेरे साथ ऐसा मतलब कोई बात करता तो मैं सीधा उसे ब्लॉक करता हूँ,
ऐसी चीज को प्रमोट करना पसंद नहीं करता, ना मैं अपने डॉग्स को कभी लड़ाता हूँ, ना कभी ऐसा मेरे डॉग्स के साथ होता है। ये तीनों के तीनों एक साथ रहते हैं मेरे घर में। तो गाइस कभी भी हम फाइट को प्रमोट नहीं करते। काफी कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि भाई शैडो की उस डॉग के साथ फाइट करवाओ, अंटर की उस डॉग के साथ फाइट करवाओ। तो भाई बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, चोट दोनों को लगती है। ये नहीं कि भाई एक को लगेगी, किसी को हल्की लग सकती है, किसी को ज्यादा लग सकती है। भाई उसमें डॉग्स का ही नुकसान है, इलीगल भी है ये चीज। तो भाई ऐसे बोलना अच्छी बात नहीं होती, ना फाइट को प्रमोट करते भाई कभी भी। देखिएगा इसके ग्रैंडफादर फादर और जो इनके ग्रेट ग्रैंडफादर है बगीरा का, वो आप देखिएगा मतलब एक बीस था अपने आप में। और वो डॉग परचेज किया था फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में आलोक नंदा जी ने, एंड टीएम की दुनिया में आलोक नंदा जी का भी पूरा नाम है। और दूसरा मतलब दूसरा तो क्या, पहले नाम पे तो सब लोग जानते हैं हिम्मत सिंह शेखो जी को। और उनके डॉग्स भी मतलब एक वर्ल्ड लेवल के डॉग्स हैं। उन्होंने 5 कॉन्टिनेंट्स में डॉग अपने यहाँ से बाहर भेजे हैं, और हम लोग भी जैसा देखते रहते हैं, मैं भी उनको एडमायर करता हूँ कि हाँ भाई हम लोगों के पास भी एक टाइम पे ऐसे डॉग हो और हम लोग भी उनके जैसा ही बनने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन खैर अभी टाइम लगेगा और मेहनत भी है इस चीज में। कोई बात नहीं भाई, मेहनत करोगे तो एक दिन सक्सेस मिलेगी। ऑफिस पर हम लोग आ चुके हैं और कमेंट बताना आप सभी को तीर्थन मैस्टिव ये वाला कैसा लगा। भाई बहुत खतरनाक था, देख मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो डॉग लगा ही नहीं, मुझे तो लग रहा था कि जैसे शेर है सामने। बिल्कुल भाई लग रहा था जब मैंने इसको पकड़ा था ना भाई, पकड़ने से पहले दुख 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 बहुत ज्यादा हो गई थी। पकड़ के साथ में खड़ा था, लग रहा था भाई डॉग है ही नहीं, कोई बड़ा ही वाइल्ड एनिमल है भाई, ऐसा लग रहा था मेरे को तो। और कमेंट बताना आपकी हम उसको अपने हंटर से मिलवाए या नहीं मिलवाए, वो सब आपके ऊपर होगा। अगर आप ज्यादा कमेंट करते हैं तो हंटर को तीर्थन मैस्टिव से मिलवाएंगे, तो उसका रिएक्शन हमें भी नहीं पता कि क्या होगा, हंटर क्या रिएक्शन करेगा, तीर्थन मैस्टिव क्या रिएक्शन करेगा। और गाइस इस तीर्थन मैस्टिव का नाम है बगीरा। तो राहुल भाई छोटे वाले बगीरा के बारे में बता दीजिए। जो ये है तीर्थन मैस्टिव बगीरा, इसी के नाम पे मैंने हंटर के पप्पी का नाम रखा था बगीरा। फर्स्ट टाइम मिले थे मुझसे, इसी वजह से हम उसके साथ ज्यादा खेलने कूदे नहीं, नॉर्मल वीडियो बनाई हमने, उसकी डिटेलिंग दी है बस। नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके ऊपर जबरदस्त माल मचाने वाली वीडियो लाएंगे उसके ऊपर। कमेंट बताना आप सभी को वीडियो कैसी लगी, और आपको वीडियो पसंद आते तो वीडियो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। मिलते नेक्स्ट वीडियो, जब तक बाय बाय, टेक केयर।